जय हिंद साथियों, मैं बजरंग पुनिया स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद गजानंद सर के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे आप सब जानते हो कि गजानंद जी ने एक मुहिम चलाई है कि हमारी सारी टीम है जो रास्ता में पुलिस कांस्टेबल पटवारी सबका कोर्स पूर्ण रूप से यूट्यूब चैनल पर करवाएगी। तो रोजाना शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासें चलेगी हमारी इस चैनल के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और सबको इनका इसका लाभ मिले। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चर के अंदर राजस्थान के दुर्ग, जिसका पार्ट 3, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर दुर्ग। इस नाम से आप जान गए होंगे कि जैसलमेर दुर्ग कहाँ स्थित है, राजस्थान के जिले जैसलमेर के अंदर जैसलमेर दुर्ग। तो इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर भलो चुनायो बाटियों सिरे तो जैसलमेर। जैसलमेर के बारे में यह कहा गया, इसका निर्माण था, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राव जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी के अंदर करवाया था। इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण नहीं करवाया था, पूर्ण इस दुर्ग का निर्माण इनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। बताया जाता है कि इस दुर्ग को पूरा होने के अंदर 7 साल लगे थे। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो 7 वर्ष तक चला था। तो निर्माण शुरू करवाया था राव जैसल भाटी ने और इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया है शालिवाहन सेकंड ने। और इस दुर्ग का निर्माण है जो पीले पत्थरों से किया गया है और इस दुर्ग के अंदर कहीं भी चुन्ने और मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, बताते हैं कि इस दुर्ग के अंदर चुन्ने और मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर है जो एक दूसरे पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस दुर्ग को बनाया गया है और पत्थरों के अंदर इस प्रकार से इन पत्थरों को रखा जाता था जिससे कि ये हिले नहीं। इस प्रकार इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है, चुन्ने और मिट्टी का प्रयोग किया नहीं गया इस दुर्ग के अंदर। अब हम देखते हैं इस दुर्ग को और किस किस नाम से जानते हैं। राव जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण किया था, करवाया था, इसलिए इसे जैसाणगढ़ भी कहते हैं। जैसाणगढ़ राव जैसल ने निर्माण करवाया था, इसलिए राव जैसल के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या है, जैसाणगढ़ भी कहते हैं इस दुर्ग को। और गोडहरा, यह दुर्ग है जो एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वैसे तो यह एक दानवन दुर्ग है और इतिहास के अंदर हमारे जो शास्त्र है उनके अंदर जो दानवन श्रेणी का दुर्ग आता है, यह दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन श्रेणी का दुर्ग है ये, और ये दानवन श्रेणी की पूरी सीमाएं हैं उनको पूरा करता है। दानवन श्रेणी का सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। और ये जो बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है, जैसलमेर दुर्ग है जो गोडहरा पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे क्या कहते हैं, गोरहरा गढ़ भी इस दुर्ग का एक उपनाम है। और हम देखते हैं इस दुर्ग को और किन किन उपनामों से जानते हैं। तो इस दुर्ग को ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। बताते हैं कि जब सूर्य की किरणें, जब सुबह सुबह या शाम को जब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उस टाइम जब सूर्य की किरणें इस दुर्ग पर पड़ती है तो यह सोने के समान चमकदार दिखाई देता है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, सोनारगढ़। आपको मैं बता देता हूं, सोनारगढ़ या सोनार किला, यह सोनार किला नाम है, यह किसने दिया था, यह एक बॉलीवुड के एक निदेशक हैं जिनका नाम है सत्यजीत रे ने इस किले के ऊपर एक मूवी बनाई है जिसका नाम क्या है, सोनार किला। तो इस दुर्ग का एक उपनाम क्या है, सोनार किला। वैसे इसको क्या कहते हैं, सवर्णगिरी दुर्ग।
सवर्ण गिरी ध्रुव क्यों? क्योंकि जब सुबह सुबह या शाम को जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, उस टाइम सूर्य की जो किरणें हैं इन पीले पत्थरों में पड़ती है, तब बताते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो ये ध्रुव सोने के समान चमकता दिखाई देते हैं। इसलिए इस ध्रुव को क्या कहते हैं? सवर्ण गिरी, सोनार किला या सोनारगढ़। और सोनार किला क्यों कहते हैं? ये सोनार किला नाम दिया था सत्यजीत रे ने, इसलिए इस ध्रुव को क्या कहते हैं? सोनार किला, सोनारगढ़ या सवर्णगिरी ध्रुव। अब हम देखेंगे इस ध्रुव के और कौन कौन से उपनाम है। इस ध्रुव का आगे हम देखते हैं इस ध्रुव का क्या और उपनाम है। इसे कहते हैं त्रिकूटगढ़, त्रिकूटगढ़। त्रिकूट मतलब तीन कुंटों वाला गढ़, मतलब तीन कुंटे, ऐसे थोड़ी है ये ध्रुव ऐसा। परंतु जिस ये घोड़हरा पहाड़ी पर जो ये ध्रुव बना हुआ है, इस पहाड़ी का आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज में कितने कोने होते हैं? तीन। और इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिकूटगढ़, क्योंकि इस पहाड़ी का आकार है, वो पहाड़ी है, वो त्रिकूट मतलब तीन कुंटों वाली है, इसलिए इस पहाड़ी का पहाड़ी के त्रिभुजाकार होने के कारण इस ध्रुव को क्या कहते हैं? त्रिकूटगढ़। इसलिए इस ध्रुव का एक उपनाम क्या है? त्रिकूटगढ़। और क्या कहते हैं इसे? और इसे कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है, इसलिए। जब रेगिस्तान का गुलाब क्यों कहते हैं? दूर से देखने पर यह ध्रुव, दूर से देखने पर यह ध्रुव इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मानो कोई विशाल जहाज है वो लंगर डाले खड़ा है, क्योंकि एक विशाल अथाह रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर यह ध्रुव बना हुआ है, तो दूर से देखने भी यही प्रतीत होता है मानो रेगिस्तान के समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है, ऐसा प्रतीत हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। तो अपने नाम पढ़ लिए। जैसानगढ़ क्यों कहते हैं? राव जैसल के नाम के ऊपर इस ध्रुव के ध्रुव को जैसानगढ़ भी कहते हैं। घोड़हरा पहाड़ी के ऊपर बना होने के कारण इसे क्या कहते हैं? घोड़हरागढ़। सोनार किला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सूर्य की किरणें इन पीले पत्थरों पर पड़ती है तो ये किस प्रकार प्रतीत होते हैं? मानो ये सोने का बना हुआ है इस प्रकार। और त्रिकूटगढ़ क्यों? क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है उसका आकार त्रिभुजाकार है, इसलिए इस ध्रुव को क्या कहते हैं? त्रिकूटगढ़ कहते हैं। और रेगिस्तान के अंदर बना होने के कारण, रेगिस्तान के अंदर ये बना होने के कारण इसे क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। अब हम देखते हैं इस दुर्ग की और क्या विशेषताएं हैं। इस दुर्ग की विशेषताएं, जैसा मैंने आपको बताया है कि दानवन श्रेणी का ये दुर्ग है, दानवन श्रेणी का ये दुर्ग है। दानवन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। इसके बाद में यह दुर्ग है, इसे 99 बुर्जों का दुर्ग कहते हैं, 99 बुर्ज बने हुए हैं इस दुर्ग में, और सर्वाधिक बुर्ज हैं जो इसी दुर्ग में बने हुए हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक बुर्ज। राजस्थान के अंदर किसी भी दुर्ग के अंदर इतने बुर्ज नहीं है जितने दुर्ग इस दुर्ग के अंदर बने हुए, सर्वाधिक बुर्ज हैं, 99 बुर्ज बने हुए हैं इस दुर्ग के अंदर, सर्वाधिक बुर्ज हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग किसे कहते हैं? जैसलमेर के जैसानगढ़ को। और इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। क्यों? गूगल मैप से देख लेना चाहिए आप, जैसलमेर सर्च करना और जैसलमेर दुर्ग देखना सोनारगढ़, तब आपको पता चलेगा इस दुर्ग के अंदर गलियां बनी हुई है, बहुत सारी गलियां बनी हुई। क्यों? यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, या इसे क्या बोल सकते हैं? लिविंग फोर्ट, मतलब जिसके अंदर जनता भी रहती है, लिविंग फोर्ट। यह राजस्थान का सबसे, तो बहुत सारे मकान बने हुए हैं, बहुत सारे ज्यादा मकान बनने के कारण वहां गलियां भी होगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गलियों का दुर्ग भी बोलते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग भी बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसका जो बाहरी परकोटा बना उसे क्या कहते हैं? कमर कोटा।
कमरकोटा। कमरकोटा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह है दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा है। दूर से देखने पर तो इस प्रकार मानो यह दुर्ग है, इसके अंदर ऐसे बुर्ज बने हुए हैं। एक तो यह परकोटा हो गया, एक अंदर वाला परकोटा हो गया। इस प्रकार बुर्ज बुर्ज चारों तरफ बुर्ज बने हुए, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है ये। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग। और इस दुर्ग की जो छत है वो छत लकड़ी की बनी हुई है, छत है लकड़ी, छत लकड़ी से निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग की छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। अब आप कहोगे इतने साल हो गए तो इस दुर्ग की छत को अभी तक दिमक क्यों नहीं लगी? तो आपको बता दूं, दिमक से बचाने के लिए इसकी छत पर क्या किया गया? गौमूत्र का लेप किया गया है, गौमूत्र का लेप, गौमूत्र का लेप किया गया इसकी छत पे। देख लीजिए सारा, इस दुर्ग की क्या धानुन श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। 99 बुर्ज बने हुए हैं जो राजस्थान के सबसे सर्वाधिक बुर्ज है, और इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है लिविंग फोर्ट। कमरकोटा किसे कहते हैं? बाहरी परकोटा है, उसे कमरकोटा कहा जाता है। छत लकड़ी से निर्मित है इस दुर्ग की, और उस पर किसका लेप किया गया है? गौमूत्र का लेप किया गया है। और हम इसके अंदर देखते हैं निर्माण कार्य क्या क्या किए गए हैं इसके अंदर। निर्माण कार्य मतलब इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या चीजें बनी हुई है। इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है एक जीर्ण भद्रसुरी पुस्तकालय, जीर्ण भद्र सूरी पुस्तकालय, पुस्तकालय। ये एक भूमिगत पुस्तकालय है, भूमिगत पुस्तकालय, भूमिगत पुस्तकालय मतलब ये धरती के अंदर बना हुआ है। तो ये एक जैन मंदिर बना, उसके नीचे बना हुआ है क्या? जीर्ण भद्र सूरी। ये आचार्य जीर्ण भद्र थे ना, उनके नाम के ऊपर इस पुस्तकालय का नाम क्या लिखा गया है? जीर्ण भद्रसुरी पुस्तकालय। और आपको बता दूं, सर्वाधिक प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है, प्राचीन पांडुलिपियों का, पांडुलिपियों का संग्रह है किया गया इस दुर्ग के अंदर। संग्रह प्राचीन पांडुलिपियां जो जो पहले पत्तों पर लिखते थे, लकड़ी पे लिखते थे, वो पांडुलिपियां कहां मिलेगी आपको? जीर्ण भद्रसुरी आचार्य पुस्तकालय के अंदर, जो कहां है? जैसलमेर के, जैसलमेर दुर्ग के अंदर। यह प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। अब हम आगे देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या निर्माण किया गया। एक इसके अंदर कुआं बना हुआ है, किस लिए? पानी पीने के लिए। उसका नाम क्या है? जैसलू कुआं, जैसलू कुआं। अब जैसलू कुआं क्यों? जैसलू ये राव जैसल के नाम के ऊपर इस कुएं का नाम क्या है? जैसलू कुआं। बताया जाता है, दंत कथा है ये, कि इस कुएं का निर्माण किससे हुआ है? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से, श्री कृष्ण। आपको पता होगा जैसलमेर का बाटी वंश अपने को खुद को क्या कहता है? श्री कृष्ण के वंशज, श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं जैसलमेर के बाटी शासक अपने आप को। तो इसका मतलब बताया जाता है कि द्वापर युग की बात है, महाभारत काल की बात है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रथ पे घूमते घूमते कहां आ गए? जैसलमेर के अंदर आ गए। ये उस टाइम मरु प्रदेश के नाम से इसे जानते थे, यहां आ गए। तब श्री कृष्ण को प्यास लगी, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण किया था। और बताते हैं श्री कृष्ण ने वहां यह भी कहा था कि आने आगे भविष्य में मेरे वंशज जी यहां पर राज करेंगे, तो यह कुआं उनके उपयोग, यह कुआं उनके द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। जीर्ण भद्रसुरी पुस्तकालय, जैसलू कुआं। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन सी निर्माण कार्य इस दुर्ग के अंदर किए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लिया आपने, लिख लिया, तो अब आगे पढ़ेंगे इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए हैं। इस दुर्ग के अंदर और कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए? बादल महल, बादल महल बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर।
एक महल है मोती महल, मोती महल। एक महल और है उसका नाम है रंग महल, रंग महल। बादल महल है, इसका निर्माण सिलवटों द्वारा किया गया था। ये एक जाति विशेष है, इन्होंने सिलवटों ने इनका इस बादल महल का निर्माण करवाया। और उसके बाद में क्या किया, जैसलमेर के जो भाटी राजा थे यहां के, उनको इन्होंने गिफ्ट में दे दिया, या हम कह सकते हैं उपहार स्वरूप इन्होंने जैसलमेर के भाटी राजाओं को उपहार स्वरूप दे दिया। क्या, बादल महल। और इसका नाम क्या रखा फिर, बादल महल। इसका एक उपनाम भी है, किस नाम से जानते हैं इसे, ताजिया टावर के नाम से। इसे जैसलमेर का ताजिया टावर भी कहते हैं, मोती महल। अब बताइए जैसलमेर अब किस लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, यही बोलोगे आप। जैसलमेर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, जैसलमेर के, जैसलमेर में हवेलियों के अंदर जो झरोखे बने हुए हैं और उनके ऊपर जो कंगूरे बने हुए हैं, ये मान के चलिए जैसलमेर के अंदर पत्थरों के ऊपर जो नकाशी की गई है या कशीदाकारी की गई है वो सबसे अद्वितीय है पूरे राजस्थान के अंदर। जैसलमेर के अंदर पत्थरों के ऊपर जितना सुंदर कार्य किया गया है उतना सुंदर राजस्थान में कहीं भी, सॉरी, उतना सुंदर वर्क कहीं भी नहीं किया गया। तो जैसलमेर अपने सुंदर हवेलियों के लिए, इनके लिए प्रसिद्ध है। और मोती महल है, इसका दूसरा नाम क्या है, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। अगर जैसलमेर का अगर कहीं भी नाम आता है तो सालिम सिंह की हवेली का नाम जरूर आता है। रंग महल, इसके अंदर फिलहाल वर्तमान में इसके अंदर एक होटल संचालित है। और यहां क्या बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग के अंदर, सतियों के पगोलिए, सतियों के पगोलिए, सतियों के पगोलिए। ये कोई, ये जैसलमेर के राज प्रसादों के अंदर एक मार्ग बना हुआ है। आपको भी पता है जैसे कि अपने पास्ट के अंदर देखें तो राजस्थान के अंदर एक प्रथा थी, सती प्रथा, वो क्या है, प्रचलित थी। तो अगर जिसमें रानियां सती होने के लिए जाती थी तो वो इसी मार्ग से होकर गुजरती थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सतियों के पगोलिए। और जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है, जैसलमेर के भाटी राजाओं को क्या कहा जाता है, हाँ कमेंट करके सभी बताइए, हाँ जल्दी बताइए, जैसलमेर के भाटी राजाओं को किस नाम से जानते हैं, उत्तर भड़ किवाड़, उत्तर भड़ किवाड़। क्यों, उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तर भड़ किवाड़। जब भी कोई विदेशी आक्रांता उत्तर या उत्तरी या पश्चिमी दिशा से आएगा तो सर्वप्रथम कौन सा दुर्ग आएगा, अपना राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग सर्वप्रथम आएगा। तो इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी आक्रमणों से पूरे देश की रक्षा करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तर भड़ किवाड़। और उत्तरी सीमा का प्रहरी, बताइए कमेंट करके बताइए सर, उत्तर भड़ किवाड़ किन्हें कहा जाता है, जैसलमेर के भाटी राजाओं को। और इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, कौन सी प्रसिद्ध है, अबुल फजल के द्वारा एक कथन कहा गया था, अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा एक कथन कहा गया था। क्या कहा गया था इस दुर्ग के बारे में, कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। मतलब घोड़ा है वो काठ का बना लीजिए आप, और पत्थर है, पत्थर के क्या होने चाहिए, आपके पैर होने चाहिए, और शरीर है वो लोहे का होगा, तब जाकर आप जैसलमेर दुर्ग पहुंचोगे, वरना यहां तक पहुंचना असंभव है। अबुल फजल के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था। तो और इस दुर्ग के अंदर निर्माण कार्य क्या हो गया, अब देखते हैं मंदिर, इस दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से। वैसे तो हर दुर्ग के अंदर खूब सारे मंदिर, ये राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो इसके अंदर मंदिर तो खूब बने हैं, परंतु हम सबसे जो प्रसिद्ध है या फिर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस केंद्र एक नंबर पे आता है आदिनाथ जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर, यह बहुत प्राचीन मंदिर है, आदिनाथ जैन मंदिर। कामना है आदिनाथ जैन मंदिर जैसलमेर दुर्ग के अंदर, सोनार दुर्ग बोल सकते हैं, त्रिकूटगढ़, गोडरागढ़,
यह जैसलमेर दुर्ग का सबसे आकर्षण का केंद्र है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, आदिनाथ जैन मंदिर। सुवांगिया माता का मंदिर, सुवांगिया माता का मंदिर, सुवांगिया माता का मंदिर, सुवांगिया माता का मंदिर, जिसे क्या कहते हैं, आवड़ माता, आवड़ माता के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। और ये क्या है, सुवांगिया माता है जो जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है, कुलदेवी, भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है, सुवांगिया माता। और इसके अंदर क्या बना हुआ है, राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर कहां बना हुआ है, राजेश्वरी माता मंदिर जैसलमेर दुर्ग के अंदर। और लक्ष्मी नारायण जी मंदिर, लक्ष्मी नारायण किन्हें कहा जाता है बताइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण किन्हें कहा जाता है बताइए, बताइए, विष्णु जी को कहा जाता है, विष्णु जी। और ये एक विष्णु मंदिर है। तो ये क्या है, लक्ष्मी नारायण जी, ये राजस्थान के जैसलमेर के भाटी शासकों के कुल देवता, कुल देवता, कुल देवता कौन से, लक्ष्मी नारायण जी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, और जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है बताइए, जैसलमेर की सबसे सबसे प्रसिद्ध बात कौन सी है, आपने भी पढ़ा होगा जैसलमेर ढाई सांप ने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है, अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में कितने साके हुए हैं, ढाई साके, ढाई साके, जैसलमेर के अंदर कितने हुए हैं, ढाई साके, ढाई साके। साका किसे कहा जाता है, जब जहां पर औरतें हैं वो तो करती हैं जौहर, अपने प्राणों की आहुति देती है अग्नि या पानी के अंदर, उसे उसे तो बोलते हैं जौहर। और जो पुरुष होते हैं वो करते हैं केसरिया, मतलब केसरिया वस्त्र धारण करके और दुश्मनों पे या अपने शत्रुओं पे टूट पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, केसरिया। तो ये जैसलमेर दुर्ग है अपने ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम साका कौन सा है, रणथंभौर का 1301 वाला अमीरदेव चौहान। राजस्थान का प्रथम साका, अब जैसलमेर दुर्ग के अंदर कितने साके हुए, ढाई साके। पहला साका 1314 ईस्वी के अंदर, 1314 ईस्वी में प्रथम, दशरथ शर्मा के अनुसार ये 1308 है, 1308 ईस्वी, 1314 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था कि यहां के शासक थे मूलराज भाटी, मूलराज भाटी, इन्हें क्या बोलते हैं, मूलराज प्रथम भी बोलते हैं, मूलराज प्रथम थे, मूलराज भाटी। मूलराज भाटी के टाइम आक्रमण किसने किया था, दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब कई की किताबों के अंदर ये आपको 1292 या 1292 या 1296 पर देखने को मिलेगा, क्या कुछ किताबों के अंदर ये दिया है 1296 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। तो अब बताइए अगर 1296 के अंदर, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है ये, 1296 के अंदर नहीं 1292 के अंदर अगर ये जैसलमेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद 1296 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो 1292 के अंदर तो इनके अंकल जी थे कौन से, जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी का नाम आना चाहिए। या फिर 1292 ईस्वी अगर नोट कुछ किताबें बताती है तो ये बताइए 1292 वाला ये शाखा है, तो फिर राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 वाला क्यों बताते हैं, फिर ये बताना चाहिए। तो 1292 नहीं है, 1314 ईस्वी के अंदर राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग के अंदर प्रथम शाखा हुआ था, जो कि राजस्थान का प्रथम शाखा नहीं था, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी रणथंभौर वाला था। 1314 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है मूलराज भाटी पे, यह था राजस्थान, यह था जैसलमेर का प्रथम शाखा। द्वितीय शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा, यहां के शासक थे राव दुद्दा, राव दुद्दा, और आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। कब किया था इसने आक्रमण, 1300
27 ईस्वी के अंदर 1327 ईस्वी में राव दुद्दा थे जो जैसलमेर के शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था, इसने 1327 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था दिल्ली पे, दिल्ली के शासक ने जैसलमेर पे। तब क्या हुआ था, राजस्थान का जैसलमेर दुर्ग का द्वितीय शाखा, तब यहां पे राव दुद्दा ने तो कैसरिया किया था और इनकी जो रानी थी उन्होंने जौहर किया था। अब पढ़ते हैं राजस्थान का तीसरा और ये जैसलमेर दुर्ग का तीसरा और अर्धशाखा, तीसरा अर्धशाखा इसकी डेट क्या थी, 1550 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये यहां पे जो यहां के शासक थे राव लूणकरण ने तो क्या किया था, केसरी क्या किया था, परंतु रानियां थी वो जौहर नहीं कर पाई थी। क्यों, आक्रमणकारी कौन था यहां का, यहां पर आक्रमणकारी था काबुल का भगोड़ा अमीर खान था, काबुल का भगोड़ा था, काबुल से निष्कासित कर दिया गया था, भागकर यहां आया था और राव लूणकरण को आके बोला था कि हमें शरण दे दीजिए। ये बताते हैं कि राव लूणकरण ने अमीर खान को शरण दी, राव लूणकरण ने अमीर खान को क्या की, यहां पर शरण दी थी। आक्रमणकारी नहीं था ये, भगोड़ा था काबुल का और काबुल से भागकर आया था और इसने जैसलमेर दुर्ग के अंदर शरण ली थी। तब अपने कुछ साथी थे, रानियां थी, उनके साथ आके अमीर खान ने जैसलमेर दुर्ग के अंदर शरण ली थी और राव लूणकरण ने इन्हें शरण दी थी। बताते हैं राव लूणकरण ने इन्हें अपना जैसे पगड़ी बदली थी और अपना भाई माना था अमीर खान को, परंतु अमीर खान ने रात से ठाट बाट देखकर क्या सोचा, मन के अंदर क्या आ गया, इसके छल आने के कारण इसने सोचा कि क्यों न मैं लूणकरण को मारकर जैसलमेर का राजा बन जाऊं। तब इसने क्या किया, लूणकरण के पास गया, बोला राजा जी हमारी जो रानियां हैं आपकी रानियों से मिलना चाहती है। तब लूणकरण, चलो जी क्या दिक्कत है, अगर आपकी मिसेज या आपकी रानी है वो हमारी रानियों से अगर मिलना चाहती है तो मिलने दीजिए। तब बताते हैं अमीर खान ने अपने कुछ सैनिकों को औरतों के भेष के अंदर बुर्का पहना के और दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दिया। इसकी सूचना लूणकरण को लगी, तब बताते हैं लूणकरण ने कैसरिया किया था, कैसरिया वस्त्र धारण करके और इनके आक्रमणकारियों के ऊपर या फिर घुसपैठियां बोल सकते हैं क्योंकि घुसपैठी दुखी थी, घुसपैठियों पर आक्रमण टूट पड़े और बताते हैं राव लूणकरण उस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गए और अमीर खान मारा गया और ये युद्ध था ये लूणकरण ने जीत लिया, परंतु खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। कैसरिया तो हुआ यहां पर, परंतु क्या नहीं हो उसका, जौहर रानियों ने फिर जौहर नहीं किया। तब इसे क्या बोलते हैं, जैसलमेर का तीसरा अर्धशाखा, मतलब यहां पर कैसरिया तो हुआ था परंतु क्या नहीं हो उसका, जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाखा बोलते हैं। तो इसी के साथ हमने जैसलमेर दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली। तो साथियों आपसे मैं यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है जीके गजानन सर, उसके ऊपर ये कल्चर के, मैं सारे कल्चर के नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और साथ साथ हम भूगोल के, हिस्ट्री के और राजनीति के सारे नोट्स हैं उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।